Hi guys, welcome back to Class of Writing. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. और आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हैमलेट को. सर, इससे पहले भी हमने हैमलेट को डिस्कस किया है. We have seen one video, लेकिन दोबारा से वीडियो बनाने का रीजन कि यहाँ पे हम कई सारी चीजों को दोबारा से डिस्कस करेंगे. Along with that, we'll going to tell the entire summary. हिंदी में सब कुछ बताएंगे, आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी क्रिएट करेंगे, ताकि यहाँ पे जो लोग हिंदी समझ नहीं पा रहे थे, जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं सर आप जरूर से ज्यादा देर चल रहे हैं, उनके लिए वीडियो जरूरी. आपने कहा सर हम कैसे समझेंगे कैरेक्टर्स क्या हो, क्या सिर्फ और सिर्फ हिंदी में कहानी जान के हम इंग्लिश में आंसर लिख सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं. तो हम क्या करेंगे, हम बीच में कहीं ना कहीं स्टॉप देंगे, जिस टॉपिक में हम हर चीज को डिस्कस करेंगे और देखेंगे ये पेपर में कैसे हेल्प कर सकता है. तो बात की गई सर बिगिनिंग ऑफ द हैमलेट, तो हैमलेट से शुरू करते दिमाग में कई सारी चीज आती है. तो सर हम हैमलेट को कैसे फॉलोअप करेंगे, चेंजेस क्या लगाएंगे. फॉलोअप दिमाग में आते हैं, अब आप लोग मेरे को ट्विटर और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं. ट्विटर पे आप सिंपली राहुल शर्मा लिखेंगे, आप मेरे को फॉलो कर पाएंगे. वेयर एज फॉर इंस्टा यू नीड टू राइट क्लासी राहुल एंड यू कैन फॉलो. फॉर मोर बाकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ वीडियो के साथ. अब शुरू करते हैं बेसिक को. बेसिक कहां से शुरू होता है. So the play begins with a statement on a dark winter night outside Elsinore Castle. The Bernardo and Marcellus heard the footsteps. So ये test की beginning थी. कई लोग start करते हैं seriously, कई लोग start करते हैं, वो अलग अलग जगह start करते हैं आपको बताते हैं, लेकिन जहां पे play शुरू हुआ वो ये beginning थी. तो हमें play की beginning में जाना है. It all begins with the two guards. Those heard the footsteps of the ghost of late King Denmark. So the late King of Denmark, the ghost of late King Denmark. तो कहानी की शुरुआत ही late King Denmark हैमलेट से होती है, जिनके ghost के footsteps को heard किया गया. सर यहाँ पे कई सारी चीजें मिसबीज होती हैं कि यार एक ghost के footsteps कैसे सुनाई दे सकते हैं. How could it be? तो यहाँ पे लिखते हैं कि पहले नाम याद आते हैं that we are here to play as a शुरुआत कहां से हुई यहां से दो बार डिफाइन करते हैं कि उन्होंने कुछ देखा, ये इन्फॉर्म करते हैं होरेशु को. सर, he is the teller of the story. पूरे प्ले की कहानी का वक्तव्य या किसी ने बताने वाला जो पूरी कहानी को बताएगा सुबह के आखिर तक, वो कौन होगा, हमारा होरेशु. And he was the only one जो बचेगा लास्ट में, जो अकेला जिंदा बचेगा, जो पूरी स्टोरी को डिफाइन करेगा, किसको करेगा वो एट द एंड ऑफ द स्टोरी. मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा. तो आपने कहा कहानी शुरू हुई होरेशु से. सर, इस स्टोरी को हैमलेट, देन व्हाई यू बीन टेलिंग होरेशु. होरेशु वाज द गुड फ्रेंड ऑफ हैमलेट. सर, दोनों ब्रिटेन बाग में एक साथ पढ़ते थे, ठीक है. उसके बाद ये हैमलेट का बोझ क्लोज हो गया और आज ये वहां पे इंचार्ज हो. और जहां हम स्टोरी लाइन को शुरू करते हैं तो हमें पता लगता है कि बहुत सुंदर राजा, राजा नहीं प्रिंस ऑफ डेनमार्क इज इन मॉर्निंग फ्रॉम लास्ट टू मंथ्स. सर, दो महीने तो मॉर्निंग में. रीजन, व्हेन ही गॉट द न्यूज कि उसके फादर एक्सपायर हो गए एंड हिज फादर डाइड ड्यू टू डंप ऑफ स्नेक. The reason that Hamlet's mother, immediately after the death of his father, she got married to his uncle Gertrude. So Gertrude to his mother, the uncle Claudius. तो यहां हमारे पास कैरेक्टर्स हैं जिन कैरेक्टर्स को समझना जरूरी है. तो मैं ट्री बना के पूरा डिफाइन कर सकते हैं कि हो क्या है, हाउ ऑल दिस गोइंग ऑन. तो सर कैरेक्टर्स को जानना जरूरी है. तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं जिनको जाने को बाद में लिखते भी रहेंगे हम. द वन बाय वन, सबसे पहले तो हमारे पास आ गया मेजर कैरेक्टर हैमलेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिसको डिफाइन करना, जिसको समझना जरूरी है. अब हैमलेट की मदर और फादर, फादर
से लेक किंग ऑफ डेनमार्क को हम गोस्ट के नाम से जानेंगे पूरी स्वीडन में. याद रखिए, ही इज नोन एज द गोस्ट. अब गोस्ट का रोल कितना है, क्या स्टोरी लाइन में गोस्ट डोमिनेंट रोल प्ले करता है? हाँ, डेफिनेटली करता है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो रोल खत्म हो जाएगा. तो हमने कहा लेट किंग ऑफ डेनमार्क गोस्ट बिगिनिंग में सबसे पहले इन्हीं के बारे में बात की जा रही. जो हम गास की बात कर रहे हैं, गास के नाम प्लीज याद रखिएगा एट द टाइम ऑफ राइटिंग योर आंसर. अगर आप यूज करते हैं तो इट डू हैव अ गुड इंप्रेशन. देन सेकेंडली, अब हमें जानना है दो लोगों के बारे में. फर्स्ट क्लोडियस. अब ये क्लोडियस कौन है? Who is this Claudius? ये है अंकल. सर किसका? हेनरिक का. Means the late king of Denmark, Gust का भाई. कौन है? क्लोडियस. जो एक राजा और सीरियसली ना बोलूं, so he was not a damn bad really king because he was being trying to save Denmark from the attack of Norway king. लगातार अटैक कर रहा है, वो उसे सेव कर रहा है. After death of late king, तो यहां पे क्लोडियस who married to Gertrude. अब ये Gertrude कौन है पहले इसको जान लेंगे हम, एंड हाउ इट ऑल विल रूल आउट, उसके कॉन्सेप्ट हमें और भी पढ़ने चाहिए. तो यहां हमारे पास आ गया क्लोडियस, देन वी हैव द Gertrude. ये दो लोग सबसे मोर रोल प्ले करते हैं हेनरिक की लाइफ में. तो सर Gertrude की बात होगी द मदर ऑफ हेनरिक, अंकल. ये है अंकल हेनरिक के, ये मदर, और यहां ये आ गया हमारे फादर. तो सर फैमिली तो यहां कंप्लीट हो जाती है. वी डू कंप्लीट द फैमिली हियर. चार लोग हेनरिक, गोस्ट, क्लोडियस एंड Gertrude. क्या स्टोरी लाइन इन चार लोगों के चार को घूमती थी? यस दैट्स ट्रू. बट अलोंग विद दीस वी डू हैव सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जिनको समझना जरूरी है. अब मैं थोड़ा वापस आता हूं, ना फ्लैशबैक्स में जाना जरूरी है कि मैं आपको हर चीज रिमाइंड कर रहा हूं कि क्या कहां हो रहा है, हाउ थिंग्स आर बीइंग चेंजिंग. तो फर्स्ट अब हमने जैसे जाना कि हमारे पास क्या हुआ, दो पार्ट्स ने देखा किसी फुटस्टेप को, किसी फिगर को जो लग रही थी कैसी, द गोस्ट ऑफ लेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क. दे इन्फॉर्म होरेशियो. अब होरेशियो ने कंफर्म किया एंड ही विजिट दैट गोस्ट, और उससे बात करने से ये पता लगा कि ही वांट टू मीट विद हैमलेट ओनली. यहां गोस्ट ने क्लियर कर दिया कि उससे वो किससे बात करेगा, हैमलेट से. तो हैमलेट को बुलाएगा. जब यहां हैमलेट आता है तो स्टोरी एक नया डाल देती. यहां पे कंफर्म किया जाए थ्रू दैट गोस्ट दैट इट वाज योर अंकल क्लोडियस एंड योर मदर Gertrude वाज अ स्नेक हु बाइट मी ऑन दैट डे व्हाइल आई वाज स्लीपिंग इन द गार्डन. इट वाज नॉट द स्नेक, इट वाज दीज टू पीपल. तो here the story turn out to be a revenge play. यहां से वो एक revenge play बन जाता है. इससे पहले story बहुत easily चल रही थी, लेकिन जैसे ही यहां पे turn आता है, so it turn out to be a revenge play. यहां पे हमें clear करना है that we need to play the concept. पहला the dilemma of Hamlet. We guys need to know the dilemma of Hamlet. और हमने इसके बारे में बहुत ज़्यादा knowledge दी है कि Hamlet का dilemma क्या था, क्या था Hamlet के दिमाग में, क्या चल रहा था. To do or not to do, you must have heard this. आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार, to do or not to do is from the Shakespeare play Hamlet, one of the best piece. It's a tragic play, that's true. लेकिन tragic क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वो decide नहीं कर पा whether he should go for the saying of ghost और वो अपने खुद के intuition पे believe करे कि जो हो रहा है वो ठीक है नहीं. Now, अब इस पूरे केस से बाहर आने के लिए Hamlet start pretending himself as a madman. मतलब कई सारी चीजें करना जहां पे शुरू में इन इनिशियल वेज क्लोडियस को विश्वास नहीं कि जैसा एक समझदार प्रिंस ऐसा कुछ कर सकता है. He can go in shock, लेकिन वो कंफर्म करना चाहता था कि जो घोष ने कहा वो सच है नहीं है. He started acting or behaving like he was madman. He become mad. तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए, फॉर दैट कि ये सच में पागल हुआ या नहीं हुआ, यहां पे क्या किया, क्लोडियस ने हैमलेट के दो स्कूलमेट्स सीरियसली फ्रेंड्स जो सर स्कूल में साथ थे को बुलाया ताकि वो क्या करें, डिटेक्ट करें कि क्या सच में ये पागल हुआ है या यू जस्ट एक्टिंग टू बी अ मैड मैन. तो हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि यहां उसके दो फ्रेंड्स जो उसके साथ स्कूल में हुआ करते थे उनको बुलाया गया. दो आर बीइंग नेम्ड एट रोजनक्रैट एंड ग्लाइडस्टोन.
ये दोनों नाम आपको याद रखेंगे, रोजमैन एंड ग्लाइडस्टोन, इन दोनों को दिमाग रखना है। इन दोनों को यहां बुलाया गया ताकि ये उसके साथ भी रहे और देखें कि सच में क्या हो रहा है। And I must mention a major character here, Ophelia, the love of Hamlet, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है पूरी स्टोरी लाइन में। तो हमें ऑफिलिया के कैरेक्टर को बोलते क्या करना है, यहाँ आपने कहा लेके वो डेनमार्क, उसकी मदर, उसके फादर। नाउ वी नीड टू क्लियर ऑफिलिया। अब ऑफिलिया को क्लियर करने के लिए हमारे पास कई सारी चीज आती है। सो वी नीड टू क्लियर ऑफिलिया इज द डॉटर ऑफ पॉलोनियस। पॉलोनियस, सो हु इज दिस पॉलोनियस? द कोर्टियर ऑफ द डेनमार्क पैलेस, जो पूरी तरह से रूल करता है, पॉम्पस मैन सीरीज है। ही इज हैविंग टू किड्स, वन इज ओफेलिया द अदर वन लेटर्स, जो फ्रांस में स्टडीज के लिए गया हुआ है। अब यहां पे वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ये सब समझ जाएगा। एंड ही इज अवॉइडिंग ओफेलिया, हैमलेट यहां ओफेलिया को अवॉइड कर रहा है हर जगह हर बात पे। वो उसको बताने लगे एक्चुअली क्या हुआ, ही रीच नीड टू एक्सप्लेन हर, उसको अपनी वरीज के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकता हो, पर उसने वो भी नहीं किया। कहीं ना कहीं सबको ऐसा लग रहा है कि हाँ हैमलेट सच में मैडनेस की तरफ जा रहा है। एट द मीन टाइम टू गेट आउट ऑफ ऑल दिस, हैमलेट ने एक चीज प्लान की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, द मदर ऑफ गोजांगो। सो हु इज द मदर ऑफ गोजांगो, द प्ले इन अ प्ले। नाउ यू गाइस नीड टू क्लियर द प्ले इन अ प्ले। ये स्टोरी के अंदर एक प्ले में प्ले परफॉर्म किया गया, जिस प्ले के लिए हैमलेट ने बाहर से एक्टर्स बुलाए, जिस प्ले को उनके पैलेस में ही पूरी तरह से किया गया, सब सबके सामने प्ले परफॉर्म किया गया, जिसको देखते हुए गैटिट्यूड और क्लोडियस के रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहा हैमलेट, ताकि जान पाए एक्चुअली दे वर द कल्प्रिट और नॉट। सो फ्रॉम हियर ही वांट टू कंफर्म कि जो भी हुआ वो सच में हुआ था या नहीं हुआ था। तो ही वांट टू बी श्योर अबाउट द सेम वो बोस्ट, and that play was going on and he was just looking at it. And the mate of the play, to play bilkul aise perform kiya jaisa ki uske father ne bola tha, the one of the king was being lying in the park, okay, and there was his queen and the his brother, they were involved in the murder of that king. To sari proceeding dekh ke Claudius samajh chuka tha ki boss it was Hamlet who knows everything now. To wahan se skip kar gaya, जो वहां से गया तो अकेला था सीरियसली। एंड एट दैट टाइम हैमलेट वांट टू किल द क्लोडियस, को उसको पता लग रहा गिल्ट है। बट एट दैट मोमेंट ना क्लोडियस वाज बिजी इन व्हाट प्रेयर्स, सिर्फ इस वजह से हैमलेट ने उसको उस वक्त नहीं मारा। ही डिडंट किल द क्लोडियस एट दैट मोमेंट, क्योंकि अगर वो उसको उस वक्त मारता तो ही गो टू हेवन, जबकि उसके डीड्स तो हेल में जाने वाले। अब यहां पे उसकी मदर उसको बुलाती अपने रूम के अंदर, एंड ही जस्ट गॉट दैट टू, वहां जाता है और जब अपनी मदर से बात करता है तो अब वो पूरी तरह भज हो उस वक्त, एंड ही वाज रियली इन एंगर। तो वहां जो हीट कन्वर्सेशन होती है बिटवीन द सन एंड अ मदर, वो जरूर से ज्यादा हाई हो चुकी है। एट द सेम टाइम पॉलोनियस वाज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन इन दैट रूम, उसको ऐसा लगता है कि ये हैमलेट यहां पे गैटिट्यूड को मार सकता है, कि उसको मार देगा। तो डर के मारे उसकी मुझे आवाज कर दे फोन से, तो है तो गैटिट्यूड, तो जैसे ही आवाज सुनता है हैमलेट, ही वाज फुल ऑफ एंगर एट द टाइम, गुस्सा कहीं नहीं करना था, गुस्सा पॉलोनियस में निकल गया एंड किल पॉलोनियस एट दैट मोमेंट। गलत हुआ, सीरियसली गलत, क्योंकि वो जानता था पॉलोनियस इज द फादर ऑफ ओफेलिया और ओफेलिया को सच में बहुत प्यार होता था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता बिकॉज रोबिनो पॉलोनियस हैड बीन डाइड। तो यहां पे जब ये बात क्लोडियस को पता लगती है तो ही वाज वेरी मच हैप्पी कि उसके पास एक रीजन है हैमलेट को यहां से भेजने का। तो उसने प्लान किया, उस प्लान के थ्रू उसको मर्डर तो हुआ है, वो भी हैमलेट से हुआ, पॉलोनियस के वजह से। पॉलोनियस इज द रिकॉर्डियर ऑफ द डेनमार्क पैलेस, तो ही हैड टू डू समथिंग। तो उसने उसको इंग्लैंड भेज दिया अलोंग विद द टू फ्रेंड्स ऑफ हैमलेट, जो स्कूल में पढ़ा करते थे, आई मेंशन द नेम, उन दोनों के साथ उसने क्या किया, उनको भेज दिया। And while he was going there, he had sent a letter along with them. Just letter वो England के king के लिए address किया गया था, जिससे बोला गया था कि Hamlet वहाँ पहुँचते ही उसको आप मर्डर कर दिया जाए। By the chance Hamlet ने वो letter पढ़ लिया, उसने letter को change कर दिया। But in the midway, the ship was being attacked by the certain dockets. तो वहाँ से इस तरह फ्लू करके Hamlet वापस आता है। And when he get back to Denmark, he get to know Ophelia committed suicide.
So the reason, the death of her father through the hands of Hamlet. And that was really a breaking point for Hamlet. क्योंकि वो अपने फादर को चुका था जिससे वो प्यार करता था वो लड़की भी मर चुकी थी सो ही हैज नो रीजन टू लिव नाउ देयर वाज अ पॉइंट लेटर्स ऑफ द आज का फ्रांसिस उसके फादर मर चुके थे उसकी सिस्टर भी एक्सपायर हो चुकी थी एट अ मोमेंट ऑफ ग्रेवयार्ड हैमलेट हैव अ हीट कन्वर्सेशन विद द लेटर्स where he said a statement that I love your sister more than the 11,000 brothers like you can do her. ये स्टेटमेंट हमें कोर्स के साथ याद रखनी होती है जब स्टेटमेंट्स को याद करते हैं कोर्स के साथ हम हर चीज को क्लियर कर लेते हैं ये हमारे लिए काम भी करती बोल चाहते गाइस प्लीज कीप दिस इन माइंड तो ये स्टेटमेंट को दिमाग में रखते हुए वो दोनों वहीं पर शुरू हो गए लड़ना कि अभी एक दूसरे को मार देंगे एट दैट टाइम क्लोडियस हैव अ पॉइंट उसको लगा कि अल्याम हो गया अब मुझे चौका मारना चाहिए तो उसने क्या किया उसने ड्यूल अरेंज करा दो दोनों के बीच में दोनों पे दोनों लड़ेंगे आपस में और लड़ मर के खुद ही खत्म हो जाएंगे एंड आई विल फ्री या दैट वाज श्योर अ बेटर एंड के गया सबको पता था प्लान कर देगा सब कुछ कि नाउ इट ऑल बीन गोइंग टू टेक प्लेस एट दैट मोमेंट और वहां पे क्या किया उसने लेक्ट्रेस की स्वॉर्ड के ऊपर पॉइजन लगा दिया ताकि कभी भी गलती से भी अगर वो स्वॉर्ड हैमलेट को टच कर जाती तो डेफिनेटली हैमलेट मर जाएगा तो यहां पता कि हैमलेट वाज ग्रेट वॉरियर ही कैन विन एनी बैटल बैटल शुरू हुआ जैसा उम्मीद थी हैमलेट डेफिनेटली रूल कर रहा था लेकिन स्वॉर्ड थोड़ी सी टच हुई हैमलेट को इन बिटवीन कुछ गड़बड़ी के साथ क्या हुआ स्वॉर्ड एक्सचेंज हो गई जब एक्सचेंज हुई इन दैट टाइम लेक्टर्स को पता चला था कि इट वाज ऑल प्लान्ड बाय क्लोडियस पर कुछ हो नहीं सकता था क्योंकि अब स्वॉर्ड उसे मिल चुकी थी एट द मेन टाइम हैमलेट टू गेट टू नो कि स्वॉर्ड वाज बीइंग पॉइजंड वो जानता था कि वो मरने वाला है लेकिन यहां प्लान बी भी था क्लोडियस का उसको कंफर्म था कि अगर हैमलेट जीत जाता है तो उसको एक वाइन का ग्लास दिया जाएगा एज अ बैटल चीयर तो जिसमें उसने पॉइजन डाल दी और वो पॉइजन किसने पिया गैटिट्यूड ने बाय द चांस She have no knowledge about it. यहां पे गैट्यूड गई वहां लेक्टस मरा और यहां हैमलेट ने क्लोडियस को मार दिया क्लोडियस को मारने के बाद हैमलेट वाज अबाउट टू डाई व्हेन ही वाज फेंट सीरियसली फेंट था किसका प्लान हैमलेट का कौन वही जिसने शुरुआत की थी आई एम टॉकिंग ऑफ होरेशियो वो वही था हैमलेट ने उसको रिक्वेस्ट की प्लीज डोंट डाई प्लीज डोंट कम सुसाइड यू नीड टू टेल द एंटायर स्टोरी टू द एंटायर वर्ल्ड ये सारी कहानी आपको दुनिया को बतानी है तो यहां पे जो उसने स्टेटमेंट बोली ऑल द एंजल्स एंड गॉड विल कम टू द अर्थ वो स्टेटमेंट हमें याद रखनी है दैट विल वर्क फॉर यू इन एग्जामिनेशंस सिर्फ स्टोरी के साथ साथ कोर्स को भी क्लियर करो तो आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम के टाइम पे आंसर लिखते हुए एट द मेन टाइम हमें फॉर्टिट्यूड की बात याद है सर ये वही आदमी था जो कि बार बार अटैक कर रहा किसी ऊपर सर ही वॉज द फोर्टीन ब्रदर्स अच्छा फोर्टीन ब्रदर्स था वो Sir, he was a king, really. King, जो कि बदला नजर डेनमार्क से वो एक किंग था नॉर्वे का क्योंकि इसके फादर को मारा गया था बाय द लेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क तो उसका बदला लेना चाहता था लेकिन जब वो वहां आया और उसने देखा कि एवरीबॉडी बीइंग डाइड तो अब मैं किसको मारूं तो सब कुछ बताया गया होरेशियो और उसने हैमलेट को एक पूरी किंग वाली ट्रीटमेंट दी एंड देन ही रूल्ड द डेनमार्क ऑल्सो तो ये तो थी हमारी स्टोरी लाइन ऑफ हैमलेट आई होप आपको वो समझ में आई होगी लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई गाइस क्योंकि अभी स्टोरी में थीम्स रहती हैं किसी भी स्टोरी को क्लियर करने के लिए उसकी थीम्स हमें ऑन टू पॉइंट चाहिए वी नीड टू क्लियर द थीम्स अब ये थीम्स कहां से शुरू होते हैं कहां से चलती हैं द फर्स्ट द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेनिटी द मोस्ट वांटिंग द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेनिटी सो व्हाट इज द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेनिटी किसी भी काम के होने की मुझे पता है चांस सर्टेन लेकिन वो इम्पॉसिबल है आप सिचुएशन की बात करें आप वो तो हैमलेट प्यार करता था ऑफेलिया को लेकिन उसके बाद उसने कुछ भी नहीं बताया
कहीं ना कहीं बहुत अजीब था, और कहीं ना कहीं सबसे अजीब था कि एक हस्बैंड क्या बनेगा तो उसकी वाइफ ने इमीडिएटली शादी कर ली, जो एग्जॉस्ट नहीं होता नाम भी किसी भी लीडर से। तो हमारे दो फेस, फर्स्ट हमने कहा सर कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा पॉसिबिलिटी, एंड थर्ड वन वी आर हैविंग द मिस्ट्री ऑफ डेथ। व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ डेथ? क्या है मिस्ट्री ऑफ डेथ? किससे कैसे कहते मिस्ट्री ऑफ डेथ? इट्स ऑल बीइंग बेस्ड ऑन द मिस्ट्री ऑफ डेथ, द किंग, द गोस्ट, उसकी डेथ तो एक मिस्ट्री बन गई, मतलब हुआ क्या एक्चुअली, कैसे मरा, व्हाट वाज द रीजन, नेम वाज देयर समवन एल्स, द सेइंग ऑफ द गोस्ट वाज समथिंग एल्स, whereas the people say something else. तो यहाँ पे दो अलग अलग चीजें साथ में चल रही, and the last most important, the nation as a disabled body, sir diseased body कह सकते हैं, the nation as a diseased body, क्यों? reason क्योंकि nation पूरी तरह काम करती थी Hamlet पे, अगर Hamlet खुश है तो nation भी खुश है, क्योंकि वो king नहीं था, वो prince था, prince charming prince of Denmark। तो I hope आप लोग एक concept पूरा किया होगा, ये सारी की सारी डिटेल अगर आपको वो चाहिए तो नोट्स में आपको मिल जाएगी, अलॉन्ग विद द करेक्टर्स एंड द क्वेश्चन आंसर्स फॉर मोर और नोट्स फॉर एनीथिंग एल्स यू गाइस कैन लीव व्हाट्सएप ऑन माय नंबर, और जस्ट डू वन थिंग गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि वीडियोस बनती रहेगी, आपको दिख रही है। बाय गाइस।